अस्सलामु अलैकुम गाइस, देसी काला तीतर यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की स्टोरी में आपको जौहराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब की बर्ड मार्केट की सैर करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको इंतहाई खूबसूरत परिंदे नज़र आएंगे और तमाम परिंदों की किस्में, जिसके अंदर कबूतर और हर किस्म के तीतर बटेर, हर किस्म के परिंदे आपको दिखाए जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। ये हमारे पास, हम एक बर्ड मार्केट के अंदर गए तो वहाँ पे हमारे पास ये कुछ कबूतर हैं, एक अच्छी नस्ल के कबूतर हैं। आप देख सकते हैं, इनकी चोंच देख सकते हैं आप, और इनका कलर देखें, कलर इनका बिल्कुल वाइट कलर है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई दाग भी नहीं है। बड़ी अच्छी नस्ल के ये कबूतर हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ये इनके साथ बिल्कुल ब्लैक कलर के कबूतर भी बैठे हैं। और इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे फिर दोबारा से वाइट कलर के कबूतर आ जाते हैं। और ये कासिद नस्ल के कबूतर हैं। और उसके बाद ये हमारे पास चकोर हैं, आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे कलर के साथ इनकी चोंच होती है और इनके जो गला होता है उसके ऊपर एक निशान सा होता है, जैसे कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका निशान। उसके बाद ये फिर हमारे पास कबूतर आते हैं और ये इन्होंने कुछ कबूतर बाहर भी छोड़े हुए हैं, लेकिन ये इनके पर मेरे ख्याल से थोड़े बहुत इन्होंने काटे हुए थे, जिसकी वजह से ये नहीं उड़ नहीं सकते। ये हमारे पास लक्की कबूतर हैं। लक्की कबूतरों की बहुत अच्छी नस्लें यहाँ पर होती हैं इन बर्ड्स वालों के पास। और ये हमारे पास मुख्तलिफ पिंजरों में बंद हैं, तो जिस तरह ये फिर इनको मिलते हैं तो ये उसी तरह ये इनके पास। ये हमारे पास फैंसी बर्ड्स था जहाँ पे मैं आज गया था। ये हमारे पास ये एक मुर्गी की नस्ल है और इसको सिल्की कहते हैं, इसके बाल बड़े प्यारे होते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास कुछ कबूतरों की फिर नस्लें आई हैं, मुख्तलिफ कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे पास कॉकटेल्स हैं और ये कॉकटेल्स अपनी नस्ल को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ये कुछ काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ कॉकटेल्स को देखें, उनके कामों को ना देखें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इनको देख सकते हैं। ये उधर पिंजरों में इस तरह बंद होते हैं कि ये वहाँ पे बच्चे भी दे सकते हैं, अंडे भी देख सकते हैं, और किसी किस्म का कोई इनको ऐसा मतलब माहौल फराहम किया जाता है कि जिसकी वजह से ये फिर वहाँ पे कोई इनको नहीं होता मसला, परेशानी नहीं होती बच्चे देने और अंडे देने में। तो काफ़ी इनके कुछ पिंजरे खाली भी पड़े हैं क्योंकि इनके बिक जाते हैं और बार बार इनको फिर जैसे ही फिर इनका सिस्टम बनता है फिर ये पीछे से फिर ले के आते हैं। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये फिर हमारे पास मुर्गे की ये ख़ास नस्ल है, ये तीतर है। ये बस वाइट तीतर हैं, तो काले तीतर तो इनके पास नहीं होते, क्या आपको पता है, वो तो नायाब तीतर है, लेकिन यहाँ पे वाइट तीतर मिल जाते हैं। मुर्गे की बड़ी अच्छी नस्ल है यहाँ पे। और ये सारा उनका सामान पड़ा हुआ है, जिससे इस तरह इन लोगों ने, फैंसी बर्ड्स वालों ने, ये फैंसी बर्ड्स जौहराबाद के अंदर है, जौहराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब डवीन सरगोधा और प्रोविंस हमारा पंजाब है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।